हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विपक्षी एकजुटता की कोशिशों को झटका। आम आदमी पार्टी ने किया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, अब बिहार में भी पैर पसारेगी आम आदमी पार्टी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकजुटता की तमाम कवायदों को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी महासचिव संदीप पाठक ने शनिवार को दिल्ली में बिहार संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना ज़रूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल, खास तौर से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी के इस ऐलान को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मालूम हो कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यही नहीं उससे पहले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कुछ अन्य नेता वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी के ये ऐलान कर विपक्षी दलों पर एक दबाव बना दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं की पार्टी मुख्यालय में एक बैठक थी। आम आदमी पार्टी महासचिव संदीप पाठक दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बिहार संगठन के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना बेहद ज़रूरी है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वह गंदी राजनीति के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाया जहां उसे होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके लिए एक मजबूत संगठन का होना ज़रूरी है। संदीप पाठक ने कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी तय करेगी कि कब लड़ना है। हम बिहार में सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके लिए हमें पहले संगठन को मजबूत करना होगा। हमें हर गांव में अपनी कमेटियां बनानी होंगी। हमें संगठन को मजबूत और विस्तारित करने के लिए अभी से मेहनत करनी होगी। बिहार में एक बार जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब जल्द ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने और उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी समेत 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं। इन 26 विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया या इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से नया गठबंधन बनाया है। संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में, जबकि दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बुलाई गई थी। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।